गायब हो जाइए अभी, चलिए। भैया पानी वाले को तो कम से कम घुसने दीजिए, पीछे है लड़का। अरे भाई भी के कमाल है, सभी लोगों की कोई तालियां होनी चाहिए हम लोग के बीच। और मिला मैम भी यहाँ पे, कमाल है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? नाम बढ़िया है यार, ऐसे बढ़िया है। एक आधे दो लोग सुनाई दे रहे, प्लीज सब लोग एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले स्वागत करिए, क्योंकि हमारे पटना में मैम आई है। और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार को कहा जाता है कि कल्चर की अगर बात करें हम लोग बहुत रिच हैं। और सिर्फ तालियों से काम नहीं पड़ेगा, वेलकम टू बिहार बनता है। 1 2 3 एवरीवन लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो स्वागत ऐसा करो कि वो कई दिनों तक कई सालों तक याद रहे, करेक्ट ना? तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पीछे वालों भी भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे करोगे? ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सुपर हिट्स 93.5 एफएम पटना के दो कड़क छोरे अनूप और सरस आपके साथ रोज शाम को 5 से 9 आप हमारे साथ रहते हैं। और बाकी जब हमने सुना कि मैम आ रही है तो सबसे पहली चीज जो हमने की है कि हम दोनों जाएंगे रेड एफएम से, और कोई नहीं जाएगा, हम दोनों जाएंगे। क्योंकि मैंने शांता भाई को भी बोला था आज कि यार हम लोग 90s वाले हैं, और हमारे लिए मैम क्या है ये शायद मैम को भी नहीं पता है, ये एकदम फैक्ट है। और मैम आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सो अच्छा, आप लोगों के आप सब इधर ही देख लो यार, कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए, कुछ कहना चाह रहे हैं वहीं से कहिए, शायरी सुना। हम लिपसिंग पढ़ लेंगे आपकी, क्या कह रहे हैं? एक गाना सॉन्ग चाहिए। अच्छा ठीक है, वेट करिए। ओके ऑलराइट, सो श्री हरि ज्वेलर्स एक और ब्रांड न्यू शोरूम, और हमेशा की तरह ये कहेंगे कि जितने भी प्रॉमिसेज ये करते हैं वो पूरे करते हैं, और बहुत सारे ऑफर्स लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर मैम यहाँ पर आ गई हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है, और शोरूम का नाम ने देख लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ एक एक करके शोरूम बाद में ज़रूर देखिएगा। और अब मैं चाहूँगा कि मैम सबसे पहले तो हमने आपकी स्टोरी देखी, आपने सनराइज़ जो है वो फ्लाइट से कवर किया है, एंड आपको धूप लग रही है इसके लिए हम बहुत माफी चाहेंगे। सो छाता लगा ले यार, हम रेड एफएम वाला लाए नहीं है, आप किसी के पास छाता है? छाता है तो दीजिए ना। सर्टिफिकेट क्या है ये आपके हाथ में? सर अपनी डिग्री मत दो सर, ऐसा नहीं करो। मैम का करियर बहुत बढ़िया है आपका। अच्छा प्रेस रिलीज है, डिग्री है साथ में, हाथ में मेडल है। आप सभी को मेरा बहुत 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 ज्यादा प्यार वाला मोहब्बत वाला नमस्कार। नमस्ते मैम, सुनाई दी दे रही पटना की आवाज, अब भी थोड़ी ही सुनाई दी है पटना की आवाज, अब लग रहा आए हैं पटना में। तो आपने सही कहा कि मैंने आज इतनी एक्साइटमेंट में थी कि मैंने जो पहले बहुत बहुत दिनों बाद फ्लाइट में से जो सनराइज़ है, सूरज जो उग रहा था, उसको कवर किया है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैं जिंदगी में पहली बार आज बिहार आई हूँ, पटना आई हूँ।
जैसे कि आप सब जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पटना हमेशा से ही संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए जाना जाता था प्राचीन भारत काल से, और आज भी पटना अपनी एक अपनी बुलंद आवाज़ रखता है, और ऐसे पटना की आवाज़ में आवाज़ मिलाने की चाह किसको नहीं होगी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रीहरि ज्वेलर्स के तमाम लोगों का, और बहुत खुश भी हूँ कि इतना बढ़िया शोरूम यहाँ पे खुला है कि मुझे लगता है पटना में ही सब मुंबई और दिल्ली और सारी ज्वेलरी यहीं पर आते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से आज यहाँ पर आने का मौका मिला है, और आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला है, और जो छूटेंगे उनके साथ आपके रेडियो स्टेशन बार द्वारा रूबरू जरूर होंगे। So बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारा प्यार। एक सवाल है, आप लाइक पटना पहली बार आई है, बिहार पहली बार आई है, बिहार की खाने की चीज़ें विश्व प्रसिद्ध हैं, सो आपने यहाँ के खाने को लेकर क्या सुना है, ऑनेस्टली बताइएगा, और अगर कुछ टेस्ट किया तो आप वो भी बता सकते हैं। भैया मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना बिहारी लोगों के हाथ का बना हुआ खाया है, अभी भी खा रही हूँ, घर पे बता के आई हूँ उनको सबको कि आपके गाँव जा रही हूँ। क्या बात है, सारे लोगों के लिए, हमारे सारे लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। So, अब आप बताइए लिट्टी चोखा कैसा लगता है? बहुत जबरदस्त, और मैंने तो वो तो फिर भी बहुत बड़ी बात हुई है, मैंने बेसिक चीजें भी खाई है जो आलू की बनती है, बेसिक चीजें भी बनती है, सब कुछ खाया है, तो बहुत इंजॉय किया है, और आज अभी जाकर खाऊंगी अगर आप उससे यहाँ से जाने देंगे तब। जाने तो नहीं देंगे, बहुत बहुत प्यार से जो है सी ऑफ करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले तो यहाँ की जितनी फेमस चीज़ें हैं वो दिखाएंगे, खिलाएंगे, उसके बाद ये चाहेंगे कि आप जो है रुख्सत लें। फिलहाल आप लोगों से बस ये बताओ यार कि मैम को ऐसी एक कोई चीज़ बताओ जो ज़रूर से खिलाएंगे जाने से पहले। एक ही करके बताओ, एक ही करके बताओ, पहले यहाँ वाली जनता बताएंगे इनको क्या खाना चाहिए। आप लोग बताइए सर, कुछ कहना चाहते हैं सर, आप बोलिए वैसे बोलिए। लेकिन एक बने जिनके लिए आए हैं उनके बारे में भी थोड़ी बात हो तो जरूर, श्रीहरि ज्वेलर्स जो है यहाँ पे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि इतनी जबरदस्त ज्वेलरी उन्होंने यहाँ की है कि मैंने बोला भैया अभी शादी तो मैंने कर ली, तो अभी वापस सोचना पड़ेगा, एक और रिसेप्शन करना पड़ेगा इनकी ज्वेलरी डालने के लिए, तो इनके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी गोल की ज्वेलरी है हमारे पूरे सभ्यता में, उसका बहुत बड़ा महत्व है, और वो मुझे लगता है आपकी स्पेशलिटी है, हालांकि सारी स्टाइल की चीज़ें हैं, तो बहुत खुश हूँ मैं आज कि इतने बढ़िया से जगह पे आई हूँ, और एक बार फिर कह रही हूँ आज इसीलिए पटना का सनराइज़ कवर किया है क्योंकि पहली बार है। सो बहुत 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 धन्यवाद कि आपने आज तक इतना बढ़िया साथ दिया है, जो आज यहाँ हैं, जो नहीं हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप सब लोगों की वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, और इसलिए एक ये छोटा मौका है आप सबको रूबरू होके बहुत दिली शुक्रिया अदा करने का। थैंक यू मैम। हम ये आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि ये सिलसिला बना के रखिएगा, आप पहली बार आए बट अब हम चाहेंगे कि आप आते जाते रहें। बिल्कुल, और मैं आप लोगों को जरूर याद रखूंगी, आपके साथ भी अगला एक इनके साथ एक फोटो खिंचवाओ। फोटो? अरे मैम वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। नहीं मैम गाना नहीं गाती थी फिल्म में, सिंगर गाते थे भाई। थोड़ा सा गा दीजिए, थोड़ा सा मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके थैंक यू सो मच। थोड़ा सा गाना।